कैन थाना क्षेत्र के बेतिहाता में शनिवार की रात पैथोलॉजी संचालक के पिता को पिस्टल सटाकर बदमाशों ने 4.5 लाख रुपए लूट किए। वारदात के बाद बदमाश फिराक चौराहे की तरफ फरार हो गए। घर पहुंचने पर पीड़ित ने घटना की जानकारी दी। शनिवार को ही रात में कैन थाने पहुंचे पैथोलॉजी संचालक ने घटना की जानकारी दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बेतिहाता निवासी विजय गोयल के बेटे डॉक्टर अमित गोयल की चौराहे पर लाइफ पैथोलॉजी है। शनिवार की रात में 9:15 बजे पैथोलॉजी से उनके पिता विजय गोयल बैग में 4.5 लाख रुपए लेकर पैदल घर जा रहे थे। पैथोलॉजी से 100 मीटर आगे बाइक लेकर खड़े 3 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। एक बदमाश ने पिस्टल सटाकर उनके हाथ से बैग छीन लिया। जान से मारने की धमकी देते हुए तीनों बदमाश फिराक चौराहे की तरफ फरार हो गए। घर पहुंचने पर विजय ने घटना की जानकारी अपने स्वजन के साथ ही लखनऊ जा रहे डॉक्टर अमित गोयल को फोन करके दी। पिता के साथ लूट होने की सूचना मिलते ही डॉक्टर अमित गोयल घर लौट आए। रात में 10:30 बजे पिता को लेकर कैन थाने पहुंचे, घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कैन थानेदार के साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि पीड़ित के द्वारा दिए गए तहरीर के अनुसार उनके ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्ति पर नामजद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए कल रात को 8:50 पर दिनांक 12/6/2021 को ये कैंट क्षेत्र में बेतिहाता के पास एक व्यक्ति थे जो अपने डायग्नोस्टिक सेंटर से बाहर निकल रहे थे, तो उनसे 4.5 लाख रुपए लेकर के लूट की सूचना उन्होंने दी हमें। उनका ये कहना है कि 3 व्यक्ति होंडा मोटरसाइकिल में थे, एक व्यक्ति ने पीछे से आकर उनसे कैश लेकर उनसे भाग गया है। वो इस क्रम में मुकदमा हमने पंजीकृत किया है। उन्होंने एक नामजद तहरीर दी है, उनके कार्यालय में एक व्यक्ति कार्य करता था कोविड के दौरान, जिन पर उन्हें शक है, तो उसी क्रम में मुकदमा पंजीकृत किया हमने। 340/2021 है, थाना कैंट पे हमने पंजीकृत किया है। 394 धारा जो उसके अंतर्गत किया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है और लुटेरों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।